हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इन सभी क्वेश्चन को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे और मिस्टर आशुतोष पांडे जी ने और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज आइए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू लार्ज कंपनीज़ विद ह्यूज वेल्थ एंड पावर कंट्रोल प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज़ एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल यानी कि जो बड़ी लार्ज कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है बहुत पावर है वो कैसे जो है प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज़ जो है वो कंट्रोल करते हैं यानी कि कैसे वो एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन कर पाते हैं इसका आंसर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है लार्ज कंपनीज़ बाई अप लोकल कंपनीज़ फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन हमेशा जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं वो हर जगह हर कंट्री में जा करके अपना यूनिट uh, जो है अपना सेटअप करने की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है वो मोस्टली क्या काम करते हैं कि दूसरे कंट्री में जाने के बाद वो वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उन्हें ख़रीद लेती हैं या उनके साथ टाई अप कर लेती हैं सेकेंड पॉइंट है लार्ज कंपनीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो बड़ी कंपनी होती हैं वो छोटे प्रोड्यूसर के को जो है कुछ अपने प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हर एक सामान खुद बनाएं ये जरूरी नहीं है थर्ड पॉइंट लार्ज कंपनी सेल प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम लेकिन वो चाहे वो सामान किसी से ही बनवाएं ध्यान रखना है कि लार्ज कंपनी सेल प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम वो हमेशा अपने ब्रांड के नाम के साथ ही वो सामान बेचते हैं हो सकता है कोई लोकल प्रोड्यूसर कोई सामान बनाता हो लेकिन उसके ऊपर जो ब्रांडिंग होगी जो नाम लिखा होगा कंपनी का वो उसी लार्ज कंपनी का ही होगा फोर्थ पॉइंट दे सेट अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज़ वो लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं फिफ्थ पॉइंट दे डिटरमाइंड प्राइस क्वालिटी डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन वो हमेशा जब छोटे किसी कंपनी के साथ या लोकल कंपनी के साथ जब वो जो है किसी प्रकार का कांटेक्ट करते हैं तो किसी भी सामान के बनने के बाद वो किस प्राइस पे बिकेगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी बनते टाइम उसकी डिलीवरी कैसे होगी उसमें लेबर कंडीशन क्या होंगे वो सारी चीज़ें जो है वो लार्ज कंपनीज डिटरमाइन करती हैं सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का वो है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन ए क्रॉस कंट्रीज इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इज़ द मनी दैट वी स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ बाइंग परचेजिंग और बाइंग एनी एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीन्स एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कोई भी कंपनी हो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करती है है ना ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसे लगाती है बिल्डिंग्स में पैसे लगाती है मशीन खरीदने के लिए पैसे लगाती है तो जो वो पैसे लगा रही है जो पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं उसे हम कहते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड वैन द सेम इन्वेस्टमेंट इज मेड बाई एनी एम एन सीज एम एन सीज यू नो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जब कोई एम एन सी कोई इन्वेस्टमेंट करती है यानी कि जब कोई कंपनी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम बोलते हैं इट इज़ फॉरिन इन्वेस्टमेंट Next question is Analyze the contribution of foreign investment in globalization. ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको डिस्कस करना है इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनीज विद द होप टू अर्न प्रॉफिट कभी भी कोई कंपनी जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका एक मोटिव ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगी बिना प्रॉफिट अर्न के उम्मीद के कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है सेकेंड पॉइंट इज एम प्रोवाइड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग ऑफ मशीन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी बाइंग लोकल कंपनीज़ एम जो है वो मनी किस लिए स्पेंड करती हैं किस लिए इन्वेस्ट करती हैं दे स्पेंड द मनी टू बाई मशीन्स टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी और बाई लोकल कंपनीज़ छोटी कंपनी जो है किसी कंट्री की जो होती है उसे खरीदने के लिए भी वो लोग पैसे स्पेंड करते हैं थर्ड पॉइंट है एम ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इज़ टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एम होता है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाए अपना प्रोडक्शन का दायरा बढ़ाए वो सिर्फ़ एक कंट्री तक सीमित न रह जाए एक कंट्री तक वो लिमिट न रह जाए फोर्थ पॉइंट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प इन फॉरेन ट्रेड जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो फॉरेन ट्रेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन मीन्स एम एनसीज इन इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन एक कंट्रीज़ एम एनसीज का क्या रोल है इंटरलिंकिंग एक्रॉस कंट्रीज़ के लिए मतलब मार्केट को कैसे वो इंटरलिंक करते हैं फर्स्ट पॉइंट एम एन सी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन एम एन क्या होती हैं एम एन सी ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है सेकेंड पॉइंट एम एन सी सेटअप ऑफिसज़ एंड फैक्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोसेज टू गेट मोर प्रॉफिट एम एन सीज कब कब जो है दूसरे कंट्री में जाएगी एम एन सी तभी जो है किसी दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन करेगी तभी दूसरे कंपनी के दूसरे कंट्रीज के अंदर ऑफिस या फैक्ट्री लगाएगी जब उसे वहाँ पर चीप लेबर मिलेगा सस्ते में लेबर मिलेगा और जो है उसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और उसके प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चांसेज होंगे बिना प्रॉफिट के कोई कंपनी कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कभी नहीं जाती है थर्ड पॉइंट एम एन सी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू मार्केट एम एन सीज हमेशा जो है प्रोडक्शन वही करती हैं जहाँ पर मार्केट भी अवेलेबल हो या वो दे आर क्लोज टू मार्केट फोर्थ पॉइंट एट टाइम्स एम एन सी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विथ सम लोकल कंपनीज़ एम एन सीज़ क्या करती हैं जब कभी किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाती हैं तो लोकल कंपनीज़ के साथ ज्वाइंटली प्रोडक्शन करती हैं ये हम लोग पहले भी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है फिफ्थ पॉइंट है एम एन सीज प्रोवाइड मनी टू लोकल कंपनीज़ टू बाई न्यू मशीन्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई एम किसी दूसरे कंट्री में जाती है वहाँ की लोकल कंपनीज़ के साथ टाइप करती है जॉइंटली प्रोडक्शन करती है तो वो लोकल कंपनी को मनी प्रोवाइड कराती है ताकि वो नए मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें सिक्सथ पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट एम एन ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन जब कोई कंट्री जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाती है ऑब्वियसली बात होती है कि वो बड़ी कंपनी है और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर टू दैट कंपनी विद होम दे आर जॉइंटली प्रोड्यूसिंग द थिंग्स ठीक है तो वो जब कोई एम किसी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करती है तो वो उसे नई टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड कराती है सेवेंथ पॉइंट इज लार्ज एम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक गारमेंट्स फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम्स जो बड़ी एम हैं जो वो क्या करती हैं छोटी छोटी कंपनीज के साथ टाई अप करती हैं और उन्हें सामान बनाने के लिए ऑर्डर देती हैं वो कुछ भी कोई भी सामान हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकता है इट कैन बी गारमेंट और फुटवेयर और स्पोर्ट्स आइटम और एनी एल्स लास्ट पॉइंट इज़ दिस लार्ज एम एनसीज हैव टर्म्ड एज पावर टू डिटरमाइन प्राइस क्वालिटी डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एम एन सीज जो है वो खुद ही क्वालिटी कैसी होगी जो सामान बनाया जाएगा या उसका प्राइस क्या होगा डिलीवरी लेबर कंडीशन क्या होंगे वो सब जो है खुद डिसाइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू डी एम एन सी सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज़ इन सर्टेन एरियाज ओनली एक्सप्लेन एनी फाइव रीजन्स एम एन सी जो है कुछ ही एरिया के अंदर अपने ऑफिस या फैक्ट्रीज़ क्यों लगाते हैं एम एन सी कभी ऐसा नहीं होता है कि आँख बंद करके किसी भी कंट्री में चले गए वो देखते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है तो क्या देखते हैं वो क्या कंडीशंस होती हैं फर्स्ट दे लुक एट द फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो पहले ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है सेकेंड पॉइंट दे लुक एट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट जिस कंट्री में लेबर जो है अवेलेबल नहीं होंगे लो लो कॉस्ट में वो वहाँ पर नहीं जाएंगे कभी भी क्योंकि वहाँ प्रॉफिट कम हो जाएगा थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई इट कैन बी है ना जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है वाटर सप्लाई हो सकता है पावर सप्लाई है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सब चीज़ें वो देखते हैं कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉलर कंपनीज़ आर अवेलेबल जिस कंट्री के अंदर स्मॉलर कंपनीज़ नहीं होंगी तो फिर वो एम एन सी टाइप किसके साथ करेगी किसके साथ जॉइंटली प्रोडक्शन करेंगी तो स्मॉलर कंपनीज़ का भी वहाँ पे होना जरूरी है उन कंट्रीज़ के अंदर एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेवरेबल टू इन्वेस्टर्स जिन कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी एम के फेवर में नहीं होंगी उन कंट्रीज़ के अंदर एम कभी काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं जाएंगी तो ये पॉइंट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एस एज़ एनी थ्री एडवांटेजेज़ ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कोई तीन एडवांटेज बताइए एम एनसीज के एम एनसीज़ हैव प्रोवाइडेड फर्स्ट पॉइंट एम एन सीज़ हैव प्रोवाइडेड इंप्रूवड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस गुड्स आपने देखा होगा कि जो नई नई कंपनी जब आती हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के सामान लेकर के आते हैं है ना तो जितने ज़्यादा एम एन सीज होंगे जितने ज़्यादा कंपनीज़ होंगी कॉरपोरेशंस होंगे, होंगे उतने ज़्यादा हमें इम्प्रूवड क्वालिटी मिलेगी और प्राइस जो है जो गुड्स हैं उनके प्राइस जो है कम होंगे क्यों बिकॉज ऑफ द कॉम्पटिशन सेकेंड पॉइंट इज़ न्यू जॉब हैव बिन क्रिएटेड बाई एम एन सीज एम एन सी जब किसी कंट्री के अंदर जाती है तो वहाँ पर न्यू जॉब क्रिएट होते हैं थर्ड पॉइंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड ऑफ़ प्रोडक्शन ठीक है जब भी कोई एम एन सी आएगी तो अपने साथ नए प्रोडक्शन मेथड लेकर के आएगी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी फोर्थ इज होस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंजीनियरिंग आर नाउ बींग डन चिपली ड्यू टू एम एनसीज एफर्ट एम एन सीज की वजह से जो है अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंजीनियरिंग इन सब चीज़ों में जो है डिमांड बढ़ती चली गई है और ये काम जो है लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट की तरह मिलते हैं और ये काम चूंकि कंपटीशन बढ़ जाता है इसलिए जो है कम सम कम पैसे में ये काम हो ही जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज़ ड्यू टू एमएनसीज एमएनसीज की वजह से लोगों की जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो गया है क्यों क्योंकि वी आर गेटिंग गुड क्वालिटीज़ प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स एट द लो प्राइस तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो गया है वी आर गेटिंग बेटर फैसिलिटीज़ सेवेंथ क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑन एम एन सीज़ इन इंडिया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो एम एन सी की वजह से इंडिया में क्या पड़ा है तो जो इंपैक्ट पूरी दुनिया में है वही इम्पैक्ट इंडिया में भी होगा देखते हैं फर्स्ट पॉइंट एम एनसीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट सेकेंड एम एनसीज हैव क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना कभी भी एम एन सी किसी कंट्री में जाएगी तो वहाँ पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँगी थर्ड पॉइंट द लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल एसेट्रा टू एमएनसीज़ है प्रॉस्पर्ड अगर कोई कंट्री किसी कंट्री में जो है एमएनसीज़ जाती हैं मल्टीनेशनल नेशनल जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज होती हैं लोकल कंपनीज़ वो भी प्रॉस्पेरस हो जाती हैं फोर्थ पॉइंट द कंपिटिशन हैज़ इंक्रीज एंड सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज है बेनीफिटेड कम्पिटीशन बढ़ने से जो इंडियन कंपनीज हैं उनका भी बेनीफिट हुआ है क्योंकि वो भी कंपटीशन के वजह से उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है फिफ्थ पॉइंट सम हैव गेंड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलाबोरेशन विद फॉरन कंपनीज कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ टाइ अप किया है कोलाबोरेट किया है और वो सक्सेस हो गई हैं समय के साथ सिक्स्थ पॉइंट इज़ इट हैज़ हेल्प्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एंड एम एंड ड्यू टू दिस कोलाबोरेशन कुछ इंडियन कंपनीज भी समय के साथ एम में कन्वर्ट हो गई हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द थिंग्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बी बेनिफिटेड फ्रॉम फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड एक्सप्लेन विद एग्जांपल या सेम क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़ या हाउ हैज फॉरेन ट्रेड बिन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पहले समझिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को बेनिफिट हुआ है या फॉरन ट्रेड की वजह से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके मार्केट इंटीग्रेट हुए हैं तो मार्केट का इंटीग्रेट होना भी इट इज इज इट सेल्फ इज अ बेनिफिट ओके तो कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का बेनिफिट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन एन अपर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे कैन रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट अगर कोई प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री के अंदर का अगर कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे कंट्री के अंदर आ रही है दे कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम वेयर द एम इज कमिंग सेकेंड पॉइंट प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कंपीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोड्यूसर्स हैं एम एनसी से जब वो टाइप कर लेते हैं या एम एन सीज इट सेल्फ जब वो कोई प्रोड़, कोई प्रोडक्शन करते हैं कोई सामान बनाते हैं तो उनका जो मार्केट है जो जहाँ वो सामान बेचेंगे वो सिर्फ उनकी अपनी कंट्री नहीं है ड्यू टू द एम एन सी दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो थर्ड पॉइंट फॉर बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसड इन अन अदर कंट्री इज़ वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स जो बायर्स है जो खरीदार है जैसे हम लोग हैं कंज्यूमर्स हैं फॉर अस वी हैव ग्रेटर चॉइसज है ना हम अपने कंट्री में बनी हुई चीज़ें भी खरीद सकते हैं और एम एनसीज की वजह से जो दूसरे कंट्री में बने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी खरीद पाते हैं जैसे एक्जाम्पल के लिए आजकल देख पा रहे होंगे हम लोग एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हैं सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हैं या एम आई का यूज कर रहे हैं ये सब दूसरे कंट्रीज़ के बन करके आ रहे हैं दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एम एनसीज फोर्थ पॉइंट विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड ट्रेड गुड ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर है ना बिकॉज ऑफ द ट्रेड द गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर अगर ट्रेड ना होता स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड तो हम एक सामान जो है अपने ही कंट्री का खरीद पाते दूसरे कंट्री के कोई सामान कोई गुड्स नहीं खरीद पाते तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड द गुड्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर वन मार्केट मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फिफ्थ पॉइंट है चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस ड्यू टू एम एनसीज ड्यू टू मल्टी नशनल कॉर्पोरेशंस और ड्यू टू फॉरन ट्रेड वी हैव बेटर चॉइसेज ठीक है हमारे कंट्री हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे चॉइसिस हैं किसी भी सामान के अगर आप जाते हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स में तो आप देखते हैं डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं ना हर एक चीज के जो है हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज आपको मिलते हैं सिक्स पॉइंट प्राइसेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेन टू बिकम इक्वल अगर कोई एक टाइप की वस्तु है एक टाइप का गुड्स है तो डिफरेंट मार्केट्स में या डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके प्राइसेस जो होंगे वो सेम होने के चांसेस हैं क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमको दूसरे कंट्री से भी उसे मंगाने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ द फॉरन ट्रेड सेवेंथ पॉइंट लास्ट पॉइंट है प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज़ क्लोजली कंपीट विद ईच अदर अगर दो कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग जो है कंपनीज़ हैं और इफ़ दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग और सेम प्रोडक्ट उनके बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन फाइनली किसको बेनिफिट पहुंचाता है दिस फाइनली बेनिफिटेड टू द दर्चे द बायर्स और द कंज्यूमर नेक्स्ट पार्ट इज़ फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन है व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर ऑन द फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस एनालाइज द रीजन आफ्टर द इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरन ट्रेड के ऊपर फॉरन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर लगा के रखा था रोक लगा के रखा था क्यों लगाया था इसका रीज़न आपको बताना है फर्स्ट पॉइंट इट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरन कंपटीशन हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान बनाने वाले लोग हैं जो कंपनीज़ हैं उनको दूसरे देश की कंपनी से हम बचा सकें उन्हें सेव कर सकें प्रोटेक्ट कर सकें क्यों एज द इंडस्ट्रीज़ वे जस्ट कमिंग अप इन नाइनटीन फिफ्टीज़ एंड नाइनटीन सिक्सटीज़ द कॉम्पिटिशन फ्राम फ्राम इनपुट एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दिस इंडस्ट्रीज टू कम अप अगर नाइनटीन फिफ्टीज़ में नाइनटीन सिक्सटीज़ में ये कंपनी अभी नई नई बन रही थी नई नई इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री के अंदर डेवलप हो रही थी अगर उसी समय हम दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ कंट्री को अलाउ कर देते अपने कंट्री के अंदर तो हमारी कंपनी जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग एज में है दे कुड नॉट भी दे कुड नॉट हैव कम्पीटेड विद देम है ना वो उनके साथ कंपीट नहीं कर पाती क्योंकि दूसरे देशों की जो कंपनीज़ हमारे कंट्री के अंदर आती वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंपनीज़ होती हमारे कंट्री की हमारे कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ थी वो उसी स्टेज में वो उतनी डेवलप्ड नहीं थे वो कंपीट नहीं कर पाते और वो ख़त्म हो जाते फिर कंपटीशन नहीं कर पाने की वजह से तो इसलिए अलाउ नहीं किया गया फॉरेन कंपनीज़ को हमारे कंट्री के अंदर थर्ड पॉइंट है इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स एज मशीनरी फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम हम इंडिया के अंदर जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अलाउ कर रहे थे फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो चीज़ें हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं थी या नहीं बन रही थी जैसे कि मशीन्स बड़ी फर्टिलाइजर्स वगैरह पेट्रोलियम वगैरह वो हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं थे या बन नहीं रहे थे इसलिए हमने उन्हें अलाउ किया टेंथ क्वेश्चन इज़ हाउ हैव मार्केट बिन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर हाल फिलहाल के समय में हमारे हमारे कंट्री के अंदर जो मार्केट है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया कैसे बिल्कुल चेंज हो गया है इसको एग्जाम्पल से समझाना है आपको पहला पॉइंट देखिए ट्रेड बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड अगर आप देखें तो हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रेड बैरियर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अलाउ नहीं कर रहे थे वो ट्रेड बैरियर कहलाता है ट्रेड बैरियर को हमने ख़त्म कर दिया है नाउ इज़ एनी कंपनी कैन एंटर इन आवर कंट्री सेकेंड पॉइंट है फ्लो ऑफ कैपिटल इज़ वेरी स्मूथ बहुत ईजिली कैपिटल जो है वो मूव कर सकता है हमारी कंट्री की कंपनीज जो है दूसरे कंपनी कंट्रीज़ में जा सकती हैं दूसरे कंट्रीज़ की कंपनी हमारे कंट्री के अंदर आ सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू इंटरनेशनल ब्रांड हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट आजकल आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखते हैं हर एक चीज़ में चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ें हों नेक्स्ट पॉइंट इज़ टिल अ फ्यू ईयर्स बैक इंडिया फेस क्वाइट अ क्लोज मार्केट हाउ एवर विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन इंडियन मार्केट हैव विदिस ट्रीमेंडस चेंजेस कुछ समय पहले तक कुछ साल पहले तक इंडिया का जो मार्केट था वो इट वॉज अ क्लोज मार्केट वी आर नॉट अलाउविंग द कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज टू एंटर इन आर मार्केट लेकिन अब नाइनटीन नाइन्टी वन में जो है जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ आपने पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में उसे हम इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म करते हैं या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं आप नाइनटीन उसके बाद से हमारे कंट्री के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर हमने ट्रिमेंडस चेंजेज देखा है बहुत बड़ा बदलाव देखा है नेक्स्ट पॉइंट इज टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉरेन प्लेयर्स हैव आल्सो एंटर द इंडियन मार्केट एंड दिस हैज एडेड टू द चॉइसेस अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स आज के समय में हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स बहुत सारे विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और उनके आने से कंज्यूमर्स के सामने जो है बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हो गए हैं तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर टेन नाउ वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर एलेवन एनालाइज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन या रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेट द ग्लोबलाइेशन प्रोसेस कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे तेज हो गया है या कैसे इंप्रूव हुआ है या इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टेक्नोलॉजी का इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स देयर आर सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी कुछ साल पिछले दस बीस सालों के अंदर जो है जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इन द रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशन कम्प्यूटर्स इंटरनेट हैज़ बिन चेंजिंग रैपिडली हाल फिलहाल के समय में जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली टेली कम्युनिकेशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से बात कर पाते हैं मोबाइल से या टेलीफोन से और कंप्यूटर इंटरनेट ये सब बहुत तेजी से बदला है ये बहुत तेज़ी से इंप्रूव हुआ है थर्ड पॉइंट है टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ टेली कम्युनिकेशन मीन्स वेन वी टॉक टू इच वैन वी टॉक टू समर पर्सन एट अ डिस्टेंट प्लेस ओके जैसे मोबाइल जो है मोबाइल से बात करना टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है तो टेलीग्राफ टेलीफोन मोबाइल फ़ोन फैक्स ये सब जो है टेली के एग्जाम्पल हैं तो इसके थ्रू जो है हम वर्ल्ड में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ईजिली वी कैन कॉन्टेक्ट एनी फोर्थ पॉइंट दिस हैज़ बिन फैसिलिटेटेड बाई सेटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ आपने पढ़ा होगा साइंस में पढ़ा होगा मोस्ट प्रॉबली कि कैसे जो है सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को वर्क कराता है अगर हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो कैसे हमारे वो जो रेज़ हैं या हमारी बातें कैसे उस तक पहुंच रही हैं इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस फिफ्थ पॉइंट इज़ इंटरनेट ऑल्सो अलाउज़ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ई एंड टॉक वाइज मेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट इंटरनेट की वजह से हम बहुत ईजिली जो है किसी को को मेल कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या वॉइस मेल भेज सकते हैं आजकल हम वीडियो में भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉल्स कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह ये सब जो है हैं कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समय के साथ इम्प्रूव हुई है एंड विदाउट दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी इम्प्रूवड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट इमेजिन अ बेटर ग्लोबलाइजेशन है ना ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी हो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यू टी ओ इन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज डब्ल्यू और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट फ्री ट्रेड फॉर ऑल कंट्रीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के लिए या सभी कंट्रीज़ के लिए फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करता है फ्री ट्रेड का मतलब द ट्रेड विदाउट एनी बैरियर पहला पॉइंट इट एम्स एट लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ जो डब्ल्यू है वो हमेशा इस बात को प्रयास करता है कि जो इंटरनेशनल uh, ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल फ्री हो किसी प्रकार फ्री का मतलब ये है कि कोई कंट्री किसी के ऊपर कोई बैरियर ना लगाए कि आप हमारे कंट्री के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट डब्ल्यू टी ओ सेज दैट ट्रेड बैरियस शुड बी एबोलिश बाई द कंट्रीज़ फॉर फ्री ट्रेड डब्ल्यू टी ओ कहता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर मीन्स वेन वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द अदर कंट्रीज टू एंटर इन आवर कंट्रीज है ना कोई मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी है या कोई चाइना की कंपनी है या कोई दूसरे कंट्री किसी भी कंट्री की कंपनी है अगर हम उसे अपने कंट्री में नहीं आने दे रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे कंट्री के अंदर आएंगे तो हम आपके सामान के ऊपर जो हमारे कंट्री में आएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे हैवी टैक्स लगा देंगे हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे ये सब ट्रेड बैरियर के एग्ज़ाम्पल हैं कि आप रुकावट डालना चाहते हैं कि दूसरे कंट्री का सामान हमारे कंट्री के अंदर न बिक पाए तो डब्ल्यू कहता है कि ट्रेड बैरियर जो है वो हर कंट्री के द्वारा एबोलिश कर देना जाना चाहिए यानी कि खत्म कर देना चाहिए ताकि जो है फ्री ट्रेड हम कर सकें थर्ड पॉइंट है इट इस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यू इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स सेट करता है फोर्थ पॉइंट ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़ दुनिया की हर देश जो है वो अपनी पॉलिसीज इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको लिबरलाइज़ करें उसको ईजी बनाएं हर किसी कंट्री के लिए ये चाहता है डब्ल्यू फिफ्थ पॉइंट डब्ल्यू टी ओ सीज़ दैट द रूल मेड बाई इट और ओबेड बाई द मेबर्स कंट्रीज डब्ल्यू टी ओ ये देखता है कि जो रूल डब्ल्यू टी ओ बना रहा है वो उसके सभी मेबर्स जो भी मेम्बर्स दुनिया में डब्ल्यू टी ओ के जो भी कंट्रीज डब्ल्यू टी ओ के मेम्बर्स हैं इस दुनिया में वो सभी उसके बनाए हुए रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं सिक्स पॉइंट दो डब्ल्यू टी ओ इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल बट इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन दट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव अनफेल रिटेन ट्रेड बैरियर्स ये देखा जाता है कि डब्ल्यू टी ओ ये चाहता है कि हर कंट्री जो है फ्री ट्रेड करे बिना किसी बैरियर के ट्रेड करे लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यू एस एट्सट्रा दे आर दे आर अनफेयरली रिटेनिंग द ट्रेड बैरियर वे जो है ट्रेड बैरियर बड़े इजिली जो है लगा लेते हैं और डब्ल्यू टी ओ कुछ नहीं करता है सेवन पॉइंट डब्ल्यू टी ओ रूल्स आर फोर्स्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ और डब्ल्यू टी ओ के जो रूल्स हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो बहुत डेवलप्ड नहीं है लाइक like इंडिया कि जो छोटे कंट्री जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है इन रूल्स को थोपा जाता है फोर्स किया जाता है इम्प्लीमेंट किया जाता है फोर्सफुली नेक्स्ट पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन बाई द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया है कोई तीन स्टेप बताइए फर्स्ट पॉइंट है बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैरियर लगाया गया है जो रुकावट लगाया गया उसको हमने बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है नाउ वी आर नॉट इम्पोजिंग एनी टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर ऑन एनी कंट्री सॉरी सेकेंड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ एल पी जीज आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी वन एल पी जी मैंने अभी आपको बताया की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसमें हमने लिबरलाइजेशन एल फॉर लिबरलाइजेशन पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन इसको एडॉप्ट किया तो हमने 1991 के बाद एलपीजी को प्रमोट किया है एल पी जी हेयर इज नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस ओके थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी हम डिस्कस करेंगे इसको फोर्थ पॉइंट है ट्रेड टैक्स रिलैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स रिलैक्सेशन दिया है यानी जब कोई कंट्री हमारे कंट्री के अंदर सामान लेकर के आती है वैन दे आर एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स टू आवर कंट्री वी आर नॉट इम्पोजिंग हाई टैक्स रेट ओवर देम है ना ताकि जो है उनके सामान जो है एक कम कीमत पे हमारे कंट्री के अंदर बिक सकें अगर हम ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो उनके सामान महंगे हो जाएंगे और क्योंकि टैक्स का जो रेट होगा वो सामान की कीमत में जुड़ जाएगा है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना तो टैक्स का रेट जुड़ जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा फिर कंट्री के अंदर हमारे वो नहीं बिक पाएगा तो इसलिए जो है हम टैक्स रिलैक्सेशन देते हैं एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंडिया इज ऑल्सो अ डब्लू टी ओ मेबर है ना डब्लू टी ओ का इंडिया एक मेंबर है फोर्टीन क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी फाइव फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जो वो क्या होता है अभी हम समझेंगे डेवलप्ड बाई द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट तो वॉट इज एस सी जेट फर्स्ट ये हम लोग ये समझेंगे कि ए सी जेट क्या होता है ना देखिए फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी वाटर रोड ट्रांसपोर्ट एट्सट्रा इस्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा जोन मतलब एक एरिया है ये कुछ स्पेशल इकोनॉमिक एरिया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वाटर की रोड की ट्रांसपोर्ट की वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है ना इंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज ये सब वहाँ यहाँ पे ओपन किए जाते हैं इन एरियाज़ में और कंपनीज़ जो होती हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आइए इस एरिया में आकर के अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करिए तो कंपनीज़ हु सेटअप द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द एस ई जेड डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल सम फाइव और सिक्स ईयर्स है ना जो कंपनीज हमारे कंट्री के अंदर आए वो एस ई जेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर वो अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं तो उनको शुरुआती कुछ समय तक गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लेबर लॉ है लेबर लॉ मतलब जो मजदूर काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसमें गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है बहुत सारे छूट देती है इन इन कंपनीज को ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड वैन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑन ऑफ वर्क गवर्नमेंट ने यहाँ तक रिलेक्सेसन देकर रखा है इन कंपनीज़ को कि जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर आती हैं कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट लगाते हैं तो पहली चीज़ तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है शुरुआती ईयर्स में अर्ली ईयर्स में और दूसरा उनको लेबर लॉ में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ तक कहा जाता है कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी में पूरे साल के लिए रेगुलर बेसिस पे कोई वर्कर रखिए आपको जब यूनिट जो है अपने यूनिट में प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है जब वर्क प्रेशर है तो आप लेबर को हायर करिए उन्हें काम दीजिए जब ज़रूरत नहीं है तो उन्हें हटा दीजिए ठीक है तो ये सब बेनिफिट्स दिए गए हैं इन फॉरेन कंपनीज को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर के अपने यूनिट्स लगाते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन इज वट इज लिबरलाइजेशन डिस्क्राइब एनी फोर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी कि लिबरलाइजेशन क्या है है ना इसका इफेक्ट क्या है हमारी इकानॉमी के ऊपर देखिए वट इज़ लिबरलाइजेशन रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाई द गवर्नमेंट इज नन एज लिबरलाइजेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि बहुत सारे बैरियर होते हैं वो टैक्स बैरियर हो सकता है क्या क्या हो सकता है ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि वट आर ट्रेड बैरियर्स वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स तो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं जैसे हम अगर मान लीजिए कि आ, किसी कंट्री को हम अलाउ नहीं करते अपने कंट्री के अंदर ट्रेड करने के लिए किसी कंपनी को तो दैट इज़ अ ट्रेड बैरियर और अगर हम जो है बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो वो भी ट्रेड बैरियर है या हम कोटा फिक्स कर देते हैं कि आप इससे ज़्यादा सामान हमारी कंट्री के अंदर नहीं बेच सकते हैं ये भी ट्रेड बैरियर का एग्ज़ाम्पल है है ना तो रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाई द गवर्नमेंट इज़ नन एज लिबरलाइजेशन जब इन्हीं बैरियर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हम लिबरलाइजेशन कर रहे हैं हमारी कंट्री लिबरल हो रही है इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट क्या है फर्स्ट पॉइंट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री जब दूसरे कंट्रीज़ की कंपनी हमारे कंट्री के अंदर आएंगी तो हमारे कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनका भी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा इम्प्रूव होगा उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी सेकेंड पॉइंट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट वेर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली हमारे कंट्री के अंदर फॉरन ट्रेड और फॉरन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत हद तक बैरियर को हटा दिया गया है इसका मतलब यह है कि हम इजली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का थर्ड पॉइंट है फ़ॉन कंपनीज़ कुड सेटअप फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसज टू बूस्टर प्रोडक्शन जो फॉरन कंपनीज़ हैं वो इजिली हमारे कंट्री के अंदर आकर के फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं ऑफिस सेटअप कर सकती हैं और प्रोडक्शन कर सकती हैं फोर्थ पॉइंट इज इट अलाउज अस टू मेक डिसीजन फ्रीली ठीक है अगर हमारे कंट्री लिबरल है तो हम अपना डिसीजन इजिली ले सकते हैं किसी भी कंपनी कंट्रीज़ को लेकर के एंड फिफ्थ पॉइंट इज द कंपिटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी कंपटीशन जो है होगा अगर कोई मान लीजिए दूसरे कंट्री से कंपनीज आती हैं तो उनके बीच में और हमारे कंट्री की जो कंपनीज हैं उनके बीच में एक कंपटीशन होगा कंपटीशन क्या करेगा वो हमारे कंट्रीज़ की कंपनी के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा एंड फाइनली इट विल बेनिफिटेड टू द कंज्यूमर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ हैव आवर मार्केट बिन ट्रांसफॉर्म इन रिसेंट ईयर्स कैसे हमारा मार्केट जो है कुछ सालों में ट्रांसफॉर्म हो गया है या यही क्वेश्चन है एनालाइज एन इाइव पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी या ये पूछा जा पूछा जाता है आपसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटन एमग प्रोड्यूसर हैव बीन एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स या पूछा जा रहा है हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा है क्या इम्पैक्ट रहा है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारे कंट्री के ऊपर तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पटीसन एमंग प्रोड्यूसर्स बॉथ लोग सॉरी ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन एमंग्स प्रोड्यूसर बॉथ लोकल एंड फॉरेन है ना मतलब कि जो है जो कंपटीशन है वो सबके साथ बड़ा है चाहे वो लोकल कंपनीज़ हो या फॉरेन कंपनीज़ हो सेकेंड पार्ट सेकेंड पॉइंट देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर्स हु नो हु नाउ इन्जॉय इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमारे कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा चॉइस आ गए हैं और बेटर क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और कम पैसे पर मिल रहे हैं ऑन द लोअर प्राइसेस थर्ड पॉइंट एज अ रिजल्ट दिस पीपल टूडे इन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर अब हम क्या करते हैं अब हम जो है बेटर क्वालिटी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हम इंजॉय कर पा रहे हैं फोर्थ पॉइंट है एम एनसीज हैव बिन इंटरेस्टेड इन इन इंडस्ट्रीज सच है सेल फोन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट्सेट्रा जो हमारे कंट्रीज के अंदर जो एम एन सीज आती हैं उनका मेन इंटरेस्ट एडिया क्या है कि वो सेल फोन के अंदर काम करें सेल फोन में इन्वेस्टमेंट करें ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अलावा न्यू जॉब्स क्रिएट किए गए हैं बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनीज़ जो हैं उनको कंपटीशन के वजह से बेनिफिट मिला है उनको नई टेक्नोलॉजी मिली है प्रोडक्शन मेथड नया पता चला है सेवेंथ पॉइंट है कि कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज़ जो है उन लोगों ने मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन से टाइप किया है उनके साथ मर्ज हो गए हैं जैसे टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंफोसिस है आई में या रेनवेक्सी है मेडिसिन में एट्थ पॉइंट इज ग्लोबलाइसन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज़ प्रोवाइडिंग सर्विसज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इन आई टीज़ ग्लोबलाइजन की वजह से जो इंडिया में जो आई टी प्रो आई टी की सर्विज़े देने वाली कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं क्योंकि एम एन सीज आ रही हैं हमारे कंट्री के अंदर इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये हुआ है कॉम्पटीशन एंड अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कॉम्पटिशन हैव सब्सटेंसली चेंज द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स कॉम्पिटिशन बढ़ा है अन जो है वो अनसर्टेन हो गया है जो हम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लेबर लॉस हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गया है उसकी वजह से अब आज के समय में जो है जो वर्कर्स की लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई है अब वो वो पहले की तरह ईजी लाइफ नहीं है क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है सेवेंटींथ पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन है हैज बिन एडवाटेजेस टू कंज्यूमर्स एज वेल एज टू प्रोड्यूसर्स ये सेम क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे प्रोड्यूसर्स को भी फायदा मिला है और कंज्यूमर्स को भी फायदा मिला है तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा देखिए प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा मिला है पॉइंट नंबर वन प्रोड्यूसर्स हैव द एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट सेकेंड पॉइंट ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो इनेबल्ड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल दैट दैट इज़ वाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हम इजिली जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं है, है ना इसके अलावा जो है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है ये इन्वेस्टमेंट करते हैं कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा मिला है बहुत सारे हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिए हैं कि हमें जो है अब बेटर चॉइस मिल रहे हैं तो वही सब पॉइंट हैं इंप्लायमेंट जनरेशन हुआ है ये सब चीज़ें जो है मिली हैं हमें तो सेम पॉइंट्स हैं इसे आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर एटीन क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह है कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं बतानी है उसमें अच्छा क्या हुआ यह भी बताना है और खराब क्या हुआ यह भी बताना है तो क्या अच्छा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के वजह से वो हमने अभी डिस्कस किया अभी हम इसमें इस पॉइंट में, इस में कुछ डिस्कस करेंगे क्या क्या जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पॉइंट स्टिफ कंपटीशन फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है जो एम जब हमारे कंट्री के अंदर आने लगे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगे हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, है ना वो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नुकसान होना शुरू हो गया जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूँ जैसे बिस्किट आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो जनरली आप प्रीफर करते हैं कि एक बहुत ही सुंदर पैकेजिंग वाला बहुत ही महंगा सा बिस्किट बहुत शानदार दिखने वाला बिस्किट आप खरीदते हैं लेकिन आप ही के घर के आसपास कोई एक व्यक्ति है जो घर पर बिस्किट बनाता है है ना कम रेट पे बेचता है वो क्वालिटी बस ये है कि उसके बिस्किट जो है बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं बहुत डिज़ाइन वाले नहीं होते हैं तो आप उसे नहीं खरीदते हैं है ना तो ये जो है नुकसान कुछ होता है लोकल प्रोड्यूसर्स का इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई है है ना कंपनीज़ को जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को हायर करते हैं काम कराते हैं फिर हटा देते हैं थर्ड पॉइंट वर्कर्स को जो है उनका फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स नहीं मिलता है यानी कि कंपनीज तो बहुत रिच होती चली जा रही हैं लेकिन उसी कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं दे आर नॉट दैट मच रिच फोर्थ पॉइंट लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो वेजेस टू द वर्क फिफ्थ पॉइंट एक्सपेंसन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो जो है वह फैल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं रूल रेगुलेशन पर चलते हैं है ना लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ग्लोबलाइजन की वजह से ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है सिक्स पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटी सेक्टर दिस इज अ पॉजिटिव थिंग और सेवंथ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं कुछ नेगेटिव हुई हैं तो अगर क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछा जा रहा है तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है नाइन्टीन क्वेश्चन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बिन यूनिफॉर्म यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है एक जैसा नहीं है इसका सिंपल सा क्या मतलब है ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ फ़ायदा फायदा नहीं हुआ है नुकसान भी हुआ है तो आपको इसमें क्या बताना है कि क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है तो अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वही पॉइंट्स में अगेन रिपीट होंगे कि क्या अच्छा हुआ है है ना तो जो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट हैं और जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस किया दोनों को आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन फाइव मार्क्स का आता है तो दो तीन पॉइंट्स पॉजिटिव बता दीजिए दो तीन पॉइंट्स पॉइंट जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट बता दीजिए बस यही इसमें करना है तो इसको मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन द गवर्नमेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा how can the government ensure that globalization is fair and its benefits are shared in a better way by all yeah how can the government of india play a major role to make globalization more fair yeah एनालाइज द एनी थ्री फैक्टर्स दैट मेक globalization मोर फेयर कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा फेयर कैसे हो सकता है ऐसा जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि सिर्फ कंपनीज़ को फायदा हो रहा है द वर्कर्स आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट या जो बड़ी कंपनीज हैं उनका तो फायदा हो रहा है जो छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका फायदा नहीं हो रहा है तो फेयर ग्लोबलाइसन कैसे होगा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें कैसे इट्स पॉलिसीज़ मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच रिच एंड पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिस जिससे कि जो सिर्फ रिच और पावरफुल हैं उनके इंटरेस्ट ना प्रोटेक्ट हों बल्कि कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं चाहे वो रिच हों चाहे वो पुअर हों वो बड़ी कंपनी वाले लोग हों या छोटी कंपनी वाले लोग हों लोकल प्रोड्यूसर्स हों हर किसी का बेनिफिट हो थर्ड पॉइंट द गवर्मेंट कैन एन्श्योर दट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स देयर राइट्स इट कैन सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉग इनफ टू कम्पीट ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं थर्ड पॉइंट आप इसको बना सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉ जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लेबर लॉ में बहुत सारे रिलेक्सेसन दे दिए जाते हैं मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस को कि वो जब चाहें लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जब चाहे उन्हें अपनी कंपनी से अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेबर लॉ को जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसे अगला पॉइंट आप बना सकते हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो भी जो है समय के साथ स्ट्रांग हो सके और बड़ी कंपनी से कंपीट कर सकें नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल नेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो ट्रेड बैरियर हम अभी भी लगा सकते हैं इसके अलावा ट्रेड बैरियर लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वी शुड नेगोसीएट एट द डब्ल्यू फॉर फेयरर रूल्स हमें जो है डब्ल्यू से जो है जब डब्ल्यू में जब मीटिंग होती है बड़ी जब बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ बैठती हैं तो उन वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम एक अच्छे रूल्स की जो हर किसी के फेवर में हो ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में हो ऐसे रूल्स के लिए हम रि करें तो ये सभी क्वेश्चन थे बेटा इस चैप्टर से आई होप कि आपको सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आंसर समझ में आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या जो है आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं थैंक यू सो मच